कोरोना की तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में भी नवीन ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर संचालित किए जाने लगा है। पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते दिनों से चल रहा ऑक्सीजन प्लांट का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। साथ ही अब इस प्लांट से ऑक्सीजन उत्पन्न किए जाने लगी है, जहां पर लाखों रुपए की लागत से बने इस ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन उत्पन्न किए जा रही है। और वहीं अस्पताल में पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था भी कर दी गई है। BMO VK जैन ने बताया है कि अस्पताल के 30 बेड में आसानी से ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था कर ली गई है। और उन्होंने कहा है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। बताया गया है कि यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई की इंटरनल व्यवस्था है, अतः ऑक्सीजन की व्यवस्था अस्पताल भवन में ही उपलब्ध रहेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इस 30 बिस्तरीय भवन में जहां पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो जाने से स्थानीय जनों में हर्ष का माहौल है। गौरतलब है कि बीते दिनों कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी गई थी। साथ ही ऑक्सीजन की कमी से संभाग मुख्यालय में कई पीड़ित मरीजों के जान जाने की खबर खूब छाई हुई थी। उल्लेखनीय है कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने में क्षेत्र के विधायक व प्रदेश सरकार की मंत्री सुश्री मीना सिंह की भूमिका सराहनीय है। एक नई योजना आई थी शासन की, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट पाली में बनाया जाना था ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए। तो जानकारी के मुताबिक ये है कि ऑक्सीजन प्लांट पाली में बन चुका है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन लगभग शुरू हो चुका है। हमने अपने बहुत सारे भाइयों को खोया है ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना की लहर में, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अगर पाली में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी तो हम इस महामारी से, इस प्रकोप से बच पाएंगे और हमारे पाली नगर वासियों को इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। तो भगवान से हम ये कामना करते हैं कि तीसरी लहर पाली में कभी ना आए, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पाली में पर्याप्त व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य केंद्र अपने पाली में बनी हुई है, अब भव्य बिल्डिंग बनी हुई है। अपने यहाँ जो कमी थी ऑक्सीजन प्लांट के, तो सारे क्षेत्रवासियों के माध्यम से कई लोगों का कोरोना के कार्यकाल में जान जो है गई हुई है। और क्षेत्र के माननीय विधायक जी जो है बड़े बधाई के पात्र हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट जो है कोरोना काल में लेके आए। ये हमारा ऑक्सीजन प्लांट है 100 बेड के लिए और हमारा अस्पताल 30 बेड, तो हमारे अभी 30 बेड के लिए अस्पताल के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है। और ये ऑक्सीजन अब सिर्फ अपने बेड पर अवेलेबल होगी, बाहर जाने के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी, क्योंकि ये इंटरनल सप्लाई है और हमारे पास ये 24 घंटे वर्किंग में है। और इससे अच्छे हम अब तीसरी लहर के लिए तैयार हैं, भगवान करे तीसरी लहर ना आए, लेकिन हमारे पास अब ऑक्सीजन की व्यवस्था अस्पताल ऑपरेटिंग की क्या कुछ है? ऑपरेटिंग की ये हमारे स्टाफ को ही सिखाया है हमने, तो हमारे स्टाफ तैयार है। वॉइस ऑफ प्राइड के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।